बच्चों, हमारे घर में आसपास कितनी ही बेकार चीजें पड़ी रहती हैं, जिन पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है। ऐसी ही एक बेकार चीज होती है फोम, जो कि पैकिंग में हमारे घर आती है और जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज हम उसी फोम से मछली बनाना सीखेंगे और ये हमें सिखाएंगे वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोग जो फॉर्म जो है घर में कटपीस पड़ा होता है वो फेंक देते हैं, उससे हम आज मछली बनाना सिखाएंगे। आपने एक मछली का डिजाइन पहले दफ्ती पर कटिंग काट ली, इस प्रकार से ये मछली का डिजाइन काट लिया, ठीक। अब इसको एक ये फॉर्म जो आप कटपीस फेंक देते हैं टुकड़ा, एक टुकड़ा हमने ले लिया। अब इसको 20 से आधा कर देंगे, डबल कर लेंगे, ठीक। ये हमने यहाँ रख दिया। अब मछली का डिजाइन इसके ऊपर हम रख देंगे, ठीक। अब आप स्केच पेन से या मार्कर या कोई चाक हो उससे आपको निशान लगाने हैं, ठीक है। तो इस पर ये रख करके आपने ये मछली के किनारे किनारे ये डिजाइन खींचा। देख रहे बच्चों, इस प्रकार से ये डिजाइन आपने। वेद प्रकाश जी, ये जरूरी है कि हम पहले उसको दफ्ती पे बनाएं और फिर उसके बाद उसका डिजाइन हम फोम पे बनाएं? अगर किसी बच्चे की ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी बच्चे की अगर अच्छी राइटिंग है और वो मतलब सीधे ही फोम के ऊपर भी खींच सकता है डिजाइन, और इसी प्रकार से चाहे मछली बनाए चाहे बत्तख, कोई भी डिजाइन खींच ले, हम कोई भी जानवर ऐसे बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये मछली का डिजाइन आ गया, ठीक है ना। देखा, अब इसको हम कैंची से इसको काटेंगे, ठीक। ये आपने इसको कैंची से इसको काटना चालू किया। देखो बच्चों, इस प्रकार से किनारे किनारे काटा। साक्षी, देख रही हो? समझ में आ रहा है? इसको किनारे किनारे मछली को दोनों पीस काट दिए। देखा बच्चों, ये बच्चों दोनों मछली का पीस कट गया, ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, एक आगे का है और एक पीछे का, ठीक। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके कोई भी चिपकाने वाला पदार्थ, गोंद हो, गिलू हो, कोई भी चीज हो, आपने इसके किनारे किनारे ये आपने लगाया। इसके बाद ये आपने लगाया और ये चिपका दिया पूरा। देखो बच्चों, अब ये मछली का डिजाइन पूरा चिपक गया, ठीक। थोड़ा सा हमने हिस्सा छोड़ा, छोड़ दिया है इससे, ताकि इसके अंदर मछली का फोम भरा जाएगा, ताकि पूरा भर जाए। ये देखिए, ठीक। देखा साथी, अब हम क्या करेंगे, जो फोम का टुकड़ा हमारा बेकार हो गया कटपीस, उसको इसका मछली का ये खाना है, हैं। अब मछली को ये हम खिलाएंगे। देखो,
प्रतीक देख रहे हो, तो इसमें मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हाँ, चाहे आप बचे हुए हाँ, कपड़े फोम कुछ भी भरा सकते हैं, टुकड़े हो या घर में रुई हो पुरानी, कोई भी बच्ची कुची चीज हो, हल्की बेकार चीज, कपड़े की कतरन हो, ठीक, बेकार जो चीजें घर में पड़ी रहती हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं, उनको आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों तुम लोग? अब देखो बच्चों, ये पूरा मछली ने खाना खा लिया, पूरा भर गया, ठीक, अब इतनी जगह ये बची, अब इसको हम बाद में फिर दोबारा यहाँ से चिपकाने वाला पदार्थ लगा करके इसको चिपका दिया, देखो बच्चों चिपक गया, ठीक है ना साची। अच्छा, अब इसको और सुंदर करने के लिए हम कुछ चीज़ों से इसको सजाएंगे ताकि और देखने में खूबसूरत लगे, ठीक। अब कैसे सजाएंगे वो आप देखिए। सबसे पहले मछली की आँख, इस आँख में हमने गोंद लगाया, और ये इस जगह पर इसके अंदर दबा दिया, तो ये आँख लग गई मछली की। अब आँख लगने से देखो सुंदरता बढ़ गई, ठीक है ना। अब इसको और सुंदर करने के लिए ये छोटे शीशे होते हैं, सितारे, घर में कोई भी बच्ची कुची चीज़ जो राखियों में बच जाती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें भी हमने थोड़ा सा गोंद लगाया और ये हमने चिपका दिया। इस प्रकार से चिपक गया, ठीक है। देखिए अब इस प्रकार से ये आपने शीशे, सितारे, रिबन के टुकड़े लगा करके इसको पूरा सजा दिया, ठीक है ना। लग रही है ना बच्चों? हाँ, साची हाँ। कैसी लग रही है अब? अच्छी, अच्छी लग रही है, क्यों प्रतीक देखा? हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मछली को पूरा सजा करके बहुत सुंदर कर दिया, ठीक। कोई भी चीज़ घर में बची कुची जो पड़ी हो, आप कुछ भी मतलब सजाने का सामान हो, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप मछली में और ऐसे ही बत्तख का डिजाइन है, तो बत्तख का डिजाइन भी आप इसी प्रकार से फोम से काट करके बना सकते हैं। कोई भी जानवर आप मतलब फोम पर बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा जी। तो बच्चों आज हम लोग ने सीखा कि हम बचे कुचे घर के सामान जैसे फोम, रुई और छोटे मोटे कपड़ों से कैसे फोम की मछली बनाना सीख सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं।